नमस्कार, मैं हूं लियाकत अली। स्वागत करता हूं आपका द नेटिजन न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में नगर क्षेत्र में हो रही चोरियों के खुलासे के लिए पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द नगर क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करें। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 5 दिन पूर्व हुई लाखों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सामान बरामदगी में भी सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी का विभिन्न धाराओं में चालान कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मोहल्ला पक्काकोट निवासी घनश्याम पुत्र रामनाथ ने पुलिस को तहरीर में बताया कि बीती 22 फरवरी को अपनी रिश्तेदारी में शादी में गया था और पूरे परिवार गया था और घर पर ताला लगा था। अगले दिन पड़ोसी ने सूचना दी कि घर का ताला टूटा पड़ा है। उसने अपने घर आकर देखा तो अज्ञात चोर छत के ऊपर से जाल तोड़कर घर के अंदर घुस गए और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात नकदी समेत अन्य सामान भी चोरी कर ले गए। कोतवाली में उक्त चोरी का खुलासा करते हुए प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि 25 फरवरी को चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उप निरीक्षक धीरेन्द्र परिवार व दीपक जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर करीब 50-60 सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन के बाद पुराने चोरों से पूछताछ के बाद अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी मोहम्मद सलमान पुत्र रियाजर हुसैन को काली राख के पास दबोच कर उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात कपड़े पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी करने सामान समेत 14,800 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 380, 457 के अलावा धारा 411 की बढ़ोतरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। स्टेट हेड असद खान, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये 25 फरवरी को कटोदाल चौकी क्षेत्र से एक घर बंद घर से जहां ताला लगा हुआ था, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, वहां से एक घर में घुस के चोरी हुई थी। इसमें जेवरात गए थे और सामान गया था, कपड़े वगैरह गए थे, तो इसमें मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के जस्ट 2 दिन बाद यानी कल हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। हमारे द्वारा हमारी टीम में परिहार, धीरेन्द्र परिहार दरोगा जी और दीपक जोशी माधवान चौकी में इन लोगों के माध्यम से टीम बनाई गई और कप्तान साहब ने टीम का स्वयं इसमें निर्देशन किया। काफ़ी कैमरे देखे गए तो इसमें एक मुलजिम हमारे संज्ञान में आ गया, जिसके कब्जे से लगभग 90% माल हमारा बरामद हो गया है। इसमें ज्वेलरी भी है और कपड़े भी हैं और डिब्बे हैं और भी जो घर से जो सामान गया सब लगभग बरामद हो गया है। लगभग 90% सामान बरामद हो गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। ये जो मुलजिम है पहले भी जेल गया है, पहले भी इसके विरुद्ध थाने में कई अभियोग पंजीकृत हैं, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और आज हम इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के पास पेश करेंगे। सर, इसका पहले का इतिहास? हाँ, इसका इतिहास है, इसके खिलाफ 6 मुकदमे थाने में, 6 की 6, जिसमें छिनौती के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं और ऐसी फिर एक पुरानी चोरी का मामला है, एनडीबीएस एक्ट का है, आर्म्स एक्ट का है, ये अभ्यस्त अपराधी है। सर, कप्तान साहब के द्वारा कोई इनाम की घोषणा? इसमें एसपी साहब ने हमारे काशीपुर एसपी महोदय द्वारा इसमें 2,500 रुपये इनाम की घोषणा की गई है।